हेलो एवरीवन, आई एम शेखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली हर स्टूडेंट के माइंड में होता है, मैम पाथफाइंडर की बुक्स इनफ हैं या नहीं। और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहली गाइडेंस उसको यही मिलती है कि फुल पाथफाइंडर का सेट परचेज कीजिए एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि क्या वो सेट सफिशिएंट है, क्या वो बुक्स इनफ है CSIR NetJRF की स्टडी के लिए। सो इसका जो आंसर है वो येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं CSIR में जिनके लिए पाथफाइंडर की बुक्स इनफ है। हमें उन सब्जेक्ट्स के लिए पाथफाइंडर के अलावा कुछ और नहीं भी पढ़ेंगे तो इनफ है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें पाथफाइंडर से सिर्फ हेल्प लेनी चाहिए, एक ओवरव्यू करना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, हमें स्विच कर जाना चाहिए स्टैंडर्ड्स बुक्स पे। सो कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं जिनके लिए पाथफाइंडर की बुक्स इनफ है। बायोकेमिस्ट्री के लिए पाथफाइंडर की बुक्स इनफ है। सो आप इन टॉपिक्स में कैसे कर सकते हैं? आप इन टॉपिक्स के लिए सिंपल, आप फर्स्ट पाथफाइंडर की बुक को पिक कीजिए जब भी इन टॉपिक्स को कवर कीजिए, फुल टॉपिक्स में से कवर कीजिए। एग्जांपल ले लीजिए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमने पाथफाइंडर से फुल कवर किया। ये सारा मैं वो बता रही हूँ जो सीरियसली मैंने किया था और मुझे ये बहुत इफेक्टिव लगा। सो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को पिक कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स को पिक कर सकते हैं पाथफाइंडर की बुक से, उसको कंप्लीट पढ़ें। कंप्लीट पढ़ने का मतलब है टू और थ्री टाइम्स पढ़ें, सिर्फ वन टाइम नहीं पढ़ना है, टू और थ्री टाइम्स पढ़ना है, बिकॉज पाथफाइंडर में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गिवन है। मीन्स उन्होंने क्या करा है, एक समराइज कर दिया है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को, तो उसके हर एक लाइन में इन्फॉर्मेशन है, हर एक पैराग्राफ में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक को फुल पढ़ना है, उस बुक से, पाथफाइंडर की बुक से फुल पढ़ना है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, फुल पढ़ना है, 4 to 5 times उसकी रीडिंग करनी है। पाथफाइंडर की बुक्स जब भी इनफ है जब हम उसको अच्छे से पढ़ें, उसकी रीडिंग 4 to 5 times करें। देन हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के, प्रोटीन के पार्ट के। देन वहां से जो हमें 1 or 2 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिले, वैसे तो नहीं मिलेगी बट इफ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिले तो वो इन्फॉर्मेशन हम पाथफाइंडर की बुक्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वे है इस तरीके से पढ़ने का पाथफाइंडर से। सो फर्स्ट पाथफाइंडर से पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये बेस्ट वे है पढ़ने का। पर कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए पाथफाइंडर इनफ नहीं है। एग्जाम्पल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए पाथफाइंडर में से यदि हम पढ़ के जाते हैं तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उनके लिए हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पड़ेगा। बट इकोलॉजी, इवोल्यूशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनके लिए पाथफाइंडर की बुक्स फुल इनफ हैं। पाथफाइंडर की बुक्स के अलावा हम कोई और प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो भी बेस्ट है। एंड इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाथफाइंडर्स की बुक्स को पढ़ के बहुत अच्छे रैंक से CSIR क्वालिफाई किया है, सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, अच्छे रैंक से क्वालिफाई करा है, 1 digit rank, 2 digit rank से क्वालिफाई किया है। सो पाथफाइंडर की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, वो बुक्स सफिशिएंट है, वो बुक्स इनफ है हमारे लिए। बट कुछ टॉपिक्स हैं जो इनफ नहीं है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उन टॉपिक्स को आप पहले पाथफाइंडर से पढ़ सकते हैं। आप एक ओवरव्यू पाथफाइंडर से ले सकते हैं, पाथफाइंडर से आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, देन आप स्टैंडर्ड बुक में स्विच हो सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक पाथफाइंडर में गिवन है स्टैंडर्ड बुक्स का सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा उसमें वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, सो हम फुल स्टैंडर्ड बुक्स कवर नहीं कर सकते, और कवर करना कोई समझदारी भी नहीं है, बिकॉज हम एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठना है CSIR के लिए। तो आपको इफ लगता है कि कोई टॉपिक है जो पाथफाइंडर में इनफ नहीं दिया है और पाथफाइंडर की स्टडी से आपके उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए, उस टॉपिक को पाथफाइंडर से पढ़िए, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आपको लगता है कि 4 to 5 times पाथफाइंडर पढ़ने के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन, वो हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप उसी टॉपिक को, सिर्फ स्पेसिफिक उसी टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। आप फुल कंटेंट ना पढ़िए स्टैंडर्ड बुक से, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़िए, या आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप सिंपल उसको स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ लीजिए, बट स्टार्ट हमेशा पाथफाइंडर से कीजिए। पाथफाइंडर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 90% सॉल्व हो रहे हैं तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पिक करने की जरूरत नहीं है, बट इफ आपको लगता है कि 90% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और वो इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है पाथफाइंडर की बुक्स को पढ़ने के बाद, 4 to 5 readings के बाद स्पेसिफिक उस टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड बुक पे स्विच हो सकते हैं। बट इफ आप
ऐसा करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड बुक से ही स्टार्ट करते हैं तो सीरियसली रिकमेंडेबल नहीं होगा, बिकॉज ऐसे में क्या होगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन ग्रेस्प करने में और पढ़ने में इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग, पाथफाइंडर की बुक्स बहुत अच्छी हैं, इनफ है मोस्टली टॉपिक्स के लिए। सो स्टार्ट कीजिए पाथफाइंडर की बुक से एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको नहीं लगता है कि पाथफाइंडर सफिशिएंट था तो आप सिर्फ स्पेसिफिक उन टॉपिक्स के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पिक कीजिए, अदरवाइज आप फुल प्रिपरेशन पाथफाइंडर की बुक से कीजिए। बुक्स पढ़िए, नॉर्मल एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सीरियसली बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। बस आपको पाथफाइंडर की बुक्स 6 to 7 times रीड करने की ज़रूरत है। इफ़ आप 6 to 7 times पाथफाइंडर की बुक्स को रीड नहीं करते हैं तो आप उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, उस बुक को कंप्लीट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज पाथफाइंडर में एक एक पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और आप सीरियसली ये रियलाइज़ करेंगे कि जब आप पाथफाइंडर की बुक्स को अगेन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया है तो आपको लगा कि मैंने नोट्स बना लिए हैं, अब रीडिंग नहीं करनी है। आपने पाथफाइंडर की बुक से नोट्स भी बना लिए हैं ना, तो स्टिल पाथफाइंडर की रीडिंग कीजिए, क्योंकि पाथफाइंडर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और हम उस इन्फॉर्मेशन को एक बारी में कैच नहीं कर पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमसे स्किप हो जाती है, और उन इन्फॉर्मेशन के स्किप होने की वजह से हमारा वो जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होना है, वो जो एक छोटा सा पॉइंट है वो रह जाता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। सो कभी भी स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच होने से पहले पाथफाइंडर की बुक्स को 5 to 6 times रीड कीजिए। आपको लगता है 5 to 6 times रीड हो चुका है, देन स्टैंडर्ड बुक पे स्विच होइए, वो भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। फुल स्टैंडर्ड बुक पे कभी स्विच नहीं होना चाहिए, सीरियसली ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो सिर्फ स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ते हैं और लास्ट में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक में आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पिक कीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है, कन्फ्यूज हो जाएंगे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को रखकर। पाथफाइंडर में ही इतनी इन्फॉर्मेशन है तो स्टैंडर्ड बुक में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। पाथफाइंडर में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड बुक की इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके लाया गया है, वो इन्फॉर्मेशन जो CSIR में आनी है। तो इट्स बेटर कि आप पहले पाथफाइंडर में से पढ़िए, और कुछ कुछ टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल मत टच कीजिए, कुछ टॉपिक्स टच कीजिए स्टैंडर्ड बुक के, वो भी वो वाले टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपका उस टॉपिक का बेसिक क्लियर नहीं हुआ है पाथफाइंडर में से पढ़ने के बाद और आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। सो पाथफाइंडर की बुक्स इनफ है आपके लिए, बस थोड़ा सा आपको अच्छी रीडिंग की 4 to 5 times 6 to 7 times टॉपिक को रीड करने की एंड कुछ टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की जरूरत है, एंड आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।